पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले एक सुनार को गिरफ्तार किया है। चोरी की निशानदेही पर पुलिस ने 60,000 के गहने भी बरामद किए हैं। चोरों ने चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे, लेकिन डीवीआर में चोरों के फुटेज रिकॉर्ड हो गए, जिससे पुलिस ने चोरों को धर दबोचा। एएसपी अभिनव चौकसी ने बताया कि फुटेज के आधार पर लक्ष्मण तलैया के पास रहने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही मुरार के सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है, जिससे उसके द्वारा की गई अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। बाड़ापुर में एक घर में होली के दिन जब वो घर वाले अपने दूसरे शहर गए हुए थे, तो घर को सोना देख के कुछ 3 आरोपियों ने वहाँ पे ताला तोड़ा, और जब वो ये सब कार्रवाई किए तो वो सीसीटीवी में भी आए, और इस प्रकार से वह प्रकरण में इन दोनों चोरों को पकड़ लिया गया है। कितने की चोरी की थी घर में? इसमें करीब 80,000 की चोरी हुई थी, जिसमें 60,000 की रिकवरी पुलिस ने कर ली है। सोने के जेवर खरीदने वाला व्यापारी भी है, इसका पुलिस ने? हाँ, जैसा कि कानून में प्रावधान है कि यदि कोई चोरी का सामान खरीदता है तो उसको भी आरोपी बनाया जाता है, तो उसी नियम के पालन में पुलिस ने कार्रवाई की है। ग्वालियर से प्रमोद जगताप की रिपोर्ट।